वेलकम बैक टू दीपक जैसा ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो भाभी जी दिल्ली से लौट के आ गई हैं और ढेर सारा शॉपिंग करके लाई हैं, और क्या क्या लाई हैं तो आप लोग को हम दिखाएंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंत तक, बिना सिर्फ के वीडियो देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल आप छोड़िएगा मत। वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो गाइस ये रही भाभी जी और हमारी सुना पड़ी पूनम दी। अभी तो आपने देखा होगा पूनम दी का अनबॉक्सिंग का ब्लॉग जो कि आया है। अच्छा अभी मैंने किट्टो जी का किया है, बन्ना जी का बाकी है। तो गाइस पूनम जी का ब्लॉग चैनल आ चुका है, चैनल भाभी ने दिल्ली में क्या क्या शॉपिंग की है, मैं क्या शॉपिंग की हूँ, भाभी जी ने दिल्ली में जाके हल्का तो मचाई दिया था और ढेर सारा प्यार ने दिया सभी चैनलों को, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के आप लोग ढेर सारा प्यार दोगे और मुझे भी सपोर्ट करोगे। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। भाभी जी क्या क्या दिल्ली शॉपिंग की है? पहले तो भाभी जी दिल्ली पहली बार गई थी, आपने देखा कि पब में गई और मंदिर में भी गई, और जो भी घूमना टहलना था बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगी, अभी तो मम्मी जाने वाली है जैसे आप लोग को पता है, तो इसके बाद जब भाभी अकेले जाएंगी तो फिर अपना एंजॉय करेंगे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली तो हमारे लोग के लिए जैसे हमें तो लगता है चोरियों भदोई हो गया हमारे लिए, क्योंकि जब चाहते तब पहुँच जाता हूँ और जाओ, और ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो अब थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि आप लोग भी कहोगे ना कि क्या बराबर दिल्ली पहुँचे रहते हो, तो इस बार हम जाते हैं जुलाई लास्ट में, उसके बाद कम कर देंगे। अभी तक जब तक जाना है तो मेरा बनेगा। तो चलते हैं गाइस ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं और लोगों को दिखाएंगे। हाथ से देखिए एक कपड़ा पहन लिया, दूसरा कपड़ा पहन रही है। तो ना हमारी तो नकट है, ये देखो देखो कैसे अपना आस्ती फिट कर ली है। हां ये सब कर लेती है गाइस, आरती बोलती है आरती। सही बात है, टोटा डाल ली है। तो गाइस जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यार देते रहना। तो भाभी क्या क्या शॉपिंग की हो, चलो निकालो अपना बैग। अरे जितना भी किया दिखाओ ना, फैमिली देखना चाहती है क्या क्या शॉपिंग की हो, क्या क्या नहीं की हो। अच्छा दिखा रहे हैं, देखने से मजा ही कुछ अलग आता है ना। यहाँ फैमिली जाना चाहती है कि दिल्ली गई थी तो क्या क्या कर दिए थे, फिर दिखाओ, फिर पहनाओ तो पुराना लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और किट्टो ने क्या दिया था वो भी दिखा देना हमारे इस ब्लॉग में भी, मतलब आप गई थी क्या क्या गिफ्ट मिला है, किसने क्या डिजाइन दिया क्या नहीं दिया है, तो इधर दे सकते हैं। क्या बेटा क्या अपने हाथ से निकालेगी, हम निकाल दिया। अपने हाथ से कपड़ा पहनना, अपने हाथ से स्लीपर पहनना, सैंडल पहनना, देख सकते हैं अपने हाथ से कुल कर रही है। और भाभी जी देखिए बेड पर चादर नहीं बिछा, तो आप लोग कभी बिल्कुल मत करना कि ये चादर क्यों नहीं बिछा। आज का सारे कपड़े मैंने जो सुबह धुल दिए ना वॉशिंग मशीन में डाल के, चादर भी थे, कपड़े बोर्ड सारे थे, सूख गया। लेकिन अभी ना गर्मी इतनी लग रही है, पर इतना है कि बता नहीं सकते हैं इतना गर्मी है। अभी को जस्ट लाइट आया है, ये देखो ये किसके लिए है, ये शॉपिंग किया था। हाँ। कहाँ से किया था, दुकान का नाम है, फर्म का नाम है, किड्स किड्स वर्ड। अच्छा किड्स वर्ड से किया था। हाँ। शिव शंकर मार्केट मदनगीर न्यू दिल्ली। तो किड्स वर्ड के शॉप से ये किसके लिए है, कार्तिक के लिए। काफी अच्छा है, अरे सूट तो ये ना कार्तिक का ड्रेस गाइस, हाफ पैंट और ये टी शर्ट, कलर खूबसूरत लग रहा है। कार्तिक होता कहाँ है, कार्तिक कार्तिक। अच्छा कार्तिक जाने दो, जाने दे, देखेगा कहेगा पहनेंगे पहनेंगे। ये सोना का, सोना को सोना पहनने के। अच्छा ये 813 रुपए का है, 813 का है ये, देखिए दिल्ली का मतलब रेट लिखा है क्या, सब पे दाम पड़ा हुआ है। तो ये कार्तिक का ड्रेस सबसे पहला कार्तिक का ड्रेस आया हुआ है, और भाभी ने दिल्ली से बेटे के लिए खरीदा है। ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि भाभी का पसंद कैसा है कैसा नहीं है। तो आपने किटो वगैरह सब दे दिया, अकेले शॉपिंग की जाती है, किटो के साथ गई थी मार्केट निकलने के लिए, तो ये साथ भी सहयोग मिला हुआ है। तो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। दूसरा किसी ने लिया था, ये सोना का है, सोना का ड्रेस बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट लग रहा है, आप देख सकते हो। ये सोना का कपड़ा सबसे महंगा है, सोना सोना महंगा है, सोना जरा आओ देखे पहना ये देखो फैमिली कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो ये इसके ऊपर से जैकेट है, अच्छा जैकेट भी है क्या, ये देखो देखो बाबू इधर देखो, तो उसी से देखो वो देखो वो देखो आया आया दोस्तों, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है और खुश भी है, और इसके ऊपर से ये जैकेट है पहले के तो निकालेगी नहीं। और
माने ये ड्रेस ऐसा रहेगा, ये ऊपर से ये रहेगा, फिर ये जैकेट रहेगी। अब ये तो फैंसी ड्रेस दिल्ली वगैरह जितना अच्छे मिल जाएंगे, गांव देहात में इतने अच्छे कलेक्शन नहीं मिल पाते हैं। तो एक खूबसूरत सा ड्रेस सोना परी का, तो ये ऐसे रहेगा। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ये भी बताना है। अच्छा वो भी मिला है, 1200 का है, 1200 का। इतने छोटे बच्चों का 1200 का ड्रेस, महंगा भी है लेकिन फैंसी है, बहुत अच्छा है। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है, ये करते हैं क्या? ये कार्तिक ड्रेस है कि ये भी है, व्हाइट रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन की सर। ये दूसरे शॉप से है, ये दोनों सोनापरी का कार्तिक जो पहला ड्रेस था एक शॉप से था। तो ये दोनों एक ड्रेस से था, ये दोनों एक ड्रेस कार्तिक का अलग किसी और शॉप से। तो ये भी बताना आप लोग, ये हाफ पैंट के साथ कैसा लगा कार्तिक का सेकेंड ड्रेस। तो सोना के लिए एक ही दिया क्या? और ये हमारी सोनापरी का प्यारा सा, ये किट्टो ने दिया। देखिए कैसे पहनती है, पहले इसको देखकर हम दिखाते हैं पहले। अरे पहन लेगी आवाज ना, एक बार भी पहनी नहीं, उसका जो फ्लावर है चिपकाने वाला वो तो लेकिन पैर पटक रही है, कैमरा पास लेके कर लो, ले लेंगे। ये देखिए गाइस, पहले पहले अपस पहनो, अपस पहनो, उसने का देखो निकाल दी है, अपस पहनो, निकाली है इसको, फिर चिपका दो उसको, निकाल दी। अच्छा निकाल दी क्या? बोल रही थी निकाल दी, कार से खींच दी। तो ये किट्टो ने गिफ्ट किया था सोना परी को ना, तो थैंक यू किट्टो आपको हमारी बेटी की गिफ्ट करने के लिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत सा ये सैंडल सोना को पहना के इसके पैरों को देखते हैं कैसा लग रहा है। आ जाओ पहने दो, ये सोना मुन्ना मरी, सोना मुन्ना आ जाओ, लो इसको पहना दे, पहन लो तो पहना दे। ए सोना, ए बाबा, अरे खड़ी जाओ खड़ी जाओ खड़ी जाओ, दिखा दो जरा। तो तो गाइस इसको हम जमीन पर लगा देखते हैं कैसा लग रहा है। डोलो बेटा, दो पहले रोज आओगे पर ये नहीं दिखाना। डोलो बेटा डोलो, आ जाओ आ जाओ, हम दो हम निकाले तो तुम लेना। आ जाओ सोना, हम निकालो निकाले ही नहीं। कैसा लगा सोना सैंडल कैसा है? तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना सोना सैंडल कैसा है। इधर भाभी जी हमारी, बस और कुछ शॉपिंग किया कि बस और बस कुछ हो गया? इतना ही क्या गिफ्ट मिला है सोना को मुझे, कार्तिक को? तो गिफ्ट पुनः दिन अपने ब्लॉग में दिखाई दिए ना जी, तो गिफ्ट हम नहीं दिखाएंगे गिफ्ट वगैरह, बस जो ये शॉपिंग था आपका, बस क्या और कुछ है? यही शॉपिंग की थी, फिर एक ही दिन तो गए ही थे शॉपिंग करने, फिर कहाँ गए? और ये देखिए गाइस क्या कर रही है, दो निकाल दो, आओ निकाल देते हैं, हाँ दो निकाल देते हैं बेटा। चाचू कह दो, चाचू कह दो बेटा, दो बब्बे बब्बे। तो गाइस ये रहा भाभी जी का शॉपिंग जो दिल्ली से करके आई है। बाकी गिफ्ट जो किटो ने, बन्ना जी ने और बिना भाई ने जो भी दिया होगा वो तो आप लोग को पता ही है। तो ये रहा शॉपिंग का सामान, और कुछ नहीं है बाकी। अब फैमिली बोलेगी मम्मी के लिए नहीं लाई गिफ्ट, नहीं ऐसे कोई बात नहीं, मम्मी जब मम्मी तो जाने वाली है तो गिफ्ट तो वहाँ मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कोई माँ के लिए करता भी है और कोई ये चीज़ नहीं है। क्या ये मम्मी का सूज पहन के चल रही है क्या? सोना तुमको अच्छा लग रहा है क्या? सोना देखते इतने बड़े सूज पहन के चल रही, गिर जाओगी तुम। आजकल भाभी के साथ वीडियो बनाना और शॉपिंग करना कि दिल्ली से जो लेके आई है इनका चॉइस कैसा है कैसा नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो ये पैटर्न में ये ड्रेस है सोना का ना, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ऐसी चॉइस और सबकी नहीं होती है, बट भाभी जी ने ऐसा चॉइस पहली बार किया है। जब वो दिखाया दुकानदार ने, जब दुकानदार दिखाया देखते ही मुझे और भाभी दोनों को पसंद आ गया। एक बार फिर उसको और भी कपड़ा दिखाना, क्या है कि फैशनेबल है ना इस वजह से, ज्यादा गई क्योंकि दुबली पतली है, इसके ऊपर फिट भी पापा की सब कपड़ा लूं। और उस दुकान पे जब इसको नाप रहे थे ना कपड़ा को, जब वो कर रहे थे इतनी एक्साइटेड होगी कपड़ा निकाल के, नए नए कपड़ा पहनने थी दुकान पे, इसको सब नाम देते किट्टो भी है, येलो कलर का नाम भी, वो पता नहीं क्या, वो भी हमने लगाई थी, वो भी गई थी तो अपने। तो चलिए गाइस बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोग से एक अच्छे नए वीडियो के साथ, लेके आएंगे, मिलते रहेंगे आपके साथ, यूं जुड़े रहेंगे। तो बाय बाय करते हैं,